हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा टिप्स एंड ट्रिक्स में। और आज जो मैच कवर करने वाले हैं, हैदराबाद वर्सेस यूपी और मुंबई वर्सेस गुजरात, दोनों मैच कवर करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें से ना तो ये मैच है इन्वेस्टमेंट वाला है, ना ही ये मैच है इन्वेस्टमेंट वाला है। दोनों में आप मीडियम इन्वेस्टमेंट करोगे। इसका मतलब ये कि जो ज़्यादा खेलते हो वो कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, 2K के आसपास। जो कम खेलते हो वो करोगे 0.5 की, मीन्स 500 के आसपास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आप लोग को बता दें, सबसे पहले मैं हैदराबाद वर्सेज यूपी में, मैं अभी तक कोई कंटेस्ट नहीं ज्वाइन किया हूँ, मैं कंटेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। सबकी एक ही कमेंट आ रहा है भाई कि क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भाई बड़े पैक खेलते क्यों, मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे आपको मान लो 2000 रुपीज़ का खेलना है, तो यार क्यों आप 1575 का या 1570 का, 1500 के आसपास वाला कोई एक पैक खेलते हो। ये सबसे गलत नीति है। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्प्लिट करना सीखो, पैसा को स्प्लिट करके खेलो। जैसे कि मान लो 77 का हो गया, 125 का हो गया, फिर 387 का हो गया, थ्री नंबर बता रहा हूँ, 230 का हो गया। इस समय पैसा को स्प्लिट कर दो, देखोगे आप ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप ज़्यादा ये मत सोचो कि यार कितना मुझे प्रॉफिट कमाना है, जो ही आता है कम से कम ये सोचो कि RS5 में मेरा थॉट यही है, डेली कम से कम प्रॉफिट मिले, लॉस में जाना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल मैच क्या होने वाला है। तो देखो भाई, रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बात कर ले, तो मुझे लग रहा है कल कांटे का मुकाबला होगा, और हैदराबाद की विनिंग चांसेस 60% है और यूपी के विनिंग चांसेस 40% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हैदराबाद और यूपी दोनों का मिक्स प्लेयर लेकर चलेंगे, हैदराबाद 4 और यूपी का 3, देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। यहाँ से सबका ध्यान सिद्धार्थ देसाई पर से हट गया भाई, ये डार्क हॉर्स साबित तो हो सकता है कभी भी टूर्नामेंट में, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, कभी भी सुपर टर्न मार देगा, नो डाउट। जैसा सिद्धार्थ देसाई अभी डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, वैसा ही मोनू गेट है, ये बंदा भी कभी भी सुपर टेन मार सकता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सिद्धार्थ देसाई को यहाँ से उठा लेते हैं, मोनू गैरत को। GLP होगा रो रिशांक त्रिपाठी का, श्रीकांत यादव के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से तीसरा रीडर लिया हूँ सिद्धार्थ देसाई का भाई, सूरज देसाई को। अब चलते हैं, अब ऑलराउंडर में बात कर लेते, तो मुझे एक ही ऑप्शन सेफ लगा जो है फरहत मिलारधन का, बाकी कोई ऑप्शन मुझे सेफ नहीं लगा। ठीक है, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर ये सचिन कुमार खेलता है तो GLP का, क्योंकि सचिन कुमार पिछले सीजन में बहुत नीचे खेलता था, इस सीजन में इसका फॉर्म सही नहीं है। अगर खेलते हैं तो आप लोग GL में ट्रैक कर सकते हो, बाकी यहाँ से मुझे कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा है। डिफेंडर की बात कर लें तो यहाँ से हम ले लेंगे विशाल भारद्वाज को, विशाल भारद्वाज मस्ट पिक है। अब याद रखना, मोनू गैरत का सामना किससे होगा, विशाल भारद्वाज के साथ। अगर मोनू गैरत आउट होता है तो इसको मैक्सिमम चांस विशाल भारद्वाज ही आउट करेगा, तो मोनू गैरत को लेंगे तो विशाल भारद्वाज को भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अबुजर मेघानी जो है ना, ये प्लेयर डार्क हॉर्स इसको भी आप बोल सकते हो, ये अभी तक टच में नहीं आया है, जब भी टच में आ जाएगा 5 टैकल लेके आपको दे देगा दोस्तों। लेकिन हम यहाँ से विशाल भारद्वाज को फिलहाल ले रहे हैं, और ले रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लेके मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, सबसे तेज 150 टैकल करने वाले, या फिर पता नहीं 100 टैकल करने वाले प्लेयर नीतीश कुमार है। अब यहाँ से क्या होगा ना कि सूरज देसाई को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहता था, लेकिन इसका सामना सूरज देसाई का सामना होगा नीतीश के साथ, जो नीतीश इतने आसानी से पॉइंट देने वाला नहीं है। अब यहाँ से सिद्धार्थ देसाई का सामना होगा सुमित सिंह के साथ, वेट सुमित सिंह ही है ना, हाँ सुमित सिंह के साथ। अब सुमित सिंह के साथ सिद्धार्थ देसाई का सामना होगा, तो यार ये पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था, 7 टैकल किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफेंडर खराब है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि सिद्धार्थ देसाई के सामने ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसको हम ले लेते हैं सुमित को, और यहाँ से नीतीश को, यहाँ से ले लेते हैं विशाल भारद्वाज को। यहाँ से आप लोग को अब टीम प्रीव्यू दिखाते हैं, पहले विशाल भारद्वाज, नीतीश कुमार, सुमित, फरहत मिलारधन, सूरज देसाई, सिद्धार्थ देसाई, मोनू गैरत। अब देखो दुनिया किसे कैप्टन बनाने वाली होगी, दुनिया या तो कैप्टन बनाएगी सूरज देसाई को या मोनू गैरत को। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, सूरज देसाई का सामना होगा नीतीश कुमार के साथ, जो बहुत ही तगड़ा डिफेंडर है, और मोनू गैरत का सामना होगा विशाल भारद्वाज के साथ। भाई देखो, ये विशाल भारद्वाज के सामने मोनू गैरत का सामना होगा, और नीतीश कुमार का सामना होगा सूरज देसाई के साथ। अब वो दोनों पॉइंट ले सकता है बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो सुपर टर्न नहीं कर सकता, लेकिन सामना किसके साथ हो रहा है, जो बहुत ही तगड़ा डिफेंडर है, और डिफेंडिंग में इस दोनों का अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है। तो मेन ऑप्शन क्या बचता है, सूरज देस, सिद्धार्थ देसाई। भाई पिछला सीजन ये सुपर टेन का तो लाइन ही लगा दिया था, बहुत तगड़ा प्लेयर है। वाइस कैप्टन आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, सूरज देसाई या मोनू गैरत। मैं फिलहाल जा रहा हूँ सूरज देसाई के सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मैच हैदराबाद जीत जाएगी। और सूरज देसाई के बारे में एक चीज बता दूं, ये बहुत स्पीड प्लेयर है, और लास्ट टाइम ये बहुत ही ज्यादा रेडिंग करने आता है, तो ये मैं ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सूरज देसाई या मोनू गैरत। फिलहाल मेरी ये टीम रहेगी, अब विशाल भारद्वाज, नीतीश कुमार, सुमित, फरहत मिलाकदम, सूरज देसाई, सिद्धार्थ देसाई, मोनू गैरत। कल मैं इसके ऊपर डिसीजन लास्ट टाइम में लूंगा कि वाइस कैप्टन मैं किसको दूंगा।
टीम में 100% चांस है कि यही रहेगा, 100% का श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर कोई सब प्लेयर खेलते हैं, किसी कोई लास्ट टाइम तक इंजूर्ड नहीं होता है, तो मैं सिटी में चल जाऊंगा। वाइस कप्तान हो सकता है कि मैं यहाँ से मोनू गुजरात कर दे दूँ सूरज देसाई की जगह, वो मैं कल डिसीजन लूंगा, बाकी टीम ये अपना फाइनल देगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस टीम के साथ कल मिनिमम 2K इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2K मैं तो लगाऊंगा, ये फाइनल है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच जो है वो है मुंबई वर्सेस गुजरात, ये भी मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। और हम यहाँ पे और सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इस मैच में ना इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रखना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि अच्छा टीम बने, लेकिन फिलहाल अच्छा टीम मुझे लग नहीं रहा है। तो इस मैच में आप लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कम करना, और अगर मुझे कोई इसमें अपडेट करना होगा दूसरा मैच का, मैं टीम अपडेट टेलीग्राम पर करूंगा। 90% चांसेज है कि मैं इस मैच का टीम टेलीग्राम पर अपडेटेड करूँ। ठीक है, तो आप लोग को पहला मैच तो हो जाना है, इन्वेस्टमेंट पहले मैच में आप लोग थोड़ा सा हाई कर सकते हो दूसरे मैच की तुलना में, दूसरे मैच इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करना। कारण क्या है कि देखो यहाँ पे एक दो प्लेयर के मैं ऑप्शन दूंगा आप लोगों को, और उसके साथ आप लोग जा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन मैं दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे भी और टेलीग्राम पे भी। देखो सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत कम बंदे जा रहे हैं, 36% ही, तो यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर के साथ इसलिए 36% लोग जा रहे हैं क्योंकि इनका फॉर्म सही नहीं जा रहा है। भाई ये मेरे ऊपर बिलीव रखो, ये बंदा सुपर 10 मारेगा कल, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है कि सामने है फजल अतरचली, भाई आसानी से पढ़ने देगा। अब सरदार साहब सुरेंद्र सिंह, ये भी आसानी से पढ़ नहीं देता है। इधर आप देख लोगे तो इधर है सचिन, सॉरी सुनील और परवेज। भाई कल डिफेंडर का मैच है, याद रखना, तो डिफेंडर के लिए ही कल सोच के टीम बनाना। फिलहाल मैं जो टीम बना रहा हूँ, सचिन तनवर, अभिषेक सिंह और जीबी मौर्य। जीबी मौर्य को लेकर मैं खास बात ये बता दूँ, ये आजकल रेडर कम और डिफेंडर ज़्यादा बन रहे हैं, वे पर मैच 2 या 3 टैकल तो करते ही हैं। तो फिलहाल मैं ये टीम रहेगा। यहाँ से ऑलराउंडर में मैं ले लेता हूँ रोहित गुलिया को, डिफेंडर में यहाँ से ले लिया हूँ। अब एक ऑप्शन परवेज भैंसवाल या सुनील कुमार, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। मैं यहाँ से फिलहाल ले लूँगा सुनील कुमार। रीजन क्या है कि सुनील राइट खेलता है, और इधर से अर्जुन देसवाल, और अर्जुन देसवाल प्लस सेकेंड रेडर जो है इसका, सॉरी मेन रेडर जो है अभिषेक, दोनों राइट खेलता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं सुमित मल्लिक का भी पॉइंट लेने का, लेकिन फिलहाल मैं क्रेडिट की वजह से सुमित मल्लिक को नहीं लिया, यहाँ से मैं सुरेंद्र सिंह को ले लिया हूँ, और यहाँ से मैं लेता हूँ अंकित वन को। अंकित वन को लेने के पीछे रीजन ये है ना कि देखो भाई ये ज़्यादा पॉइंट नहीं लाएंगे, हो सकता है कि इनको सब्स्टिट्यूट करके ऋतुराज गुलाबी को भी ला दिया जाए, लेकिन क्रेडिट मेंटेन के लिए मुझे सबसे बेस्ट प्लेयर यही लगे। और दूसरी बात रीजन ये है ना कि अंकित वन के सामने आएगा रोहित बाजला, जिनका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैंने अंकित को लिया है। अब कंटिन्यू कर दिया जाए टीम को, तो यहाँ से मैंने कैप्टन दिया है सचिन तेंदुलकर को। भाई 36% बंदे ही इसके साथ गए, बट फिर भी मैं कैप्टन दिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर ग्रैंड लीग जीतेगा तो यही जीतेगा, स्मॉल लीग जीतेगा तो यही जीतेगा। कल वाइस कैप्टन मैंने यहाँ से दे दिया अभिषेक सिंह को। अब टीम प्रीव्यू की बात कर लिया जाए, सुनील कुमार, अंकित वन, सुरेंद्र सिंह, रोहित गुलिया, सचिन तेंदुलकर, जीबी मौर्य, अभिषेक सिंह। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैप्टन इसी को रख के वाइस कैप्टन आप एक में जीबी मौर्य दे देना, दूसरा में रोहित गुलिया दे देना, तीसरा में सुनील कुमार दे देना। ठीक है दोस्तों, और आप गारंटी में क्या करना है, कुछ 5 इसका ले लेना अभिषेक सिंह के टीम का, और 2 ले लेना गुजरात का, वो आपके ग्रैंड लीग का टीम होगा, और ये टीम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कल के रिजल्ट के बारे में। कल का रिजल्ट देख लो भाई, 45 में मुझे 49 आया था, 786 में मुझे 950 के आसपास आया था, 59 में 75 आया था, 77 में हार चुका था, 27 में मुझे 70 आया था, और 17 हार गया था। मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि भाई देखो 27 और 17 का लॉजिक क्या है, अगर आप 27 और 17 को ऐड करते हो तो होता है 44। तो अगर आपने सॉरी 27 और 17 44, अब देखो यहाँ से अगर 27 और 17 एक भी जीत गया ना, तो आप अगर 17 जीतते हो तो इक्वली में रहोगे, और 27 जीत जाते हो तो प्रॉफिट में ही रहोगे। इसलिए मैं हर एक मैच में क्या करता हूँ, इस दोनों को तो मैं कॉन्स्टेंट करता हूँ कि ये दोनों मुझे खेलना ही है। उसके नीचे रिजल्ट देख लें तो 999 में आया है 1059, और 1299 में आया है 2020। तो ओवरऑल आप देख सकते हो मैं प्रॉफिट में हूँ। और आप सभी को बोल दूँ यार, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दिया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे। और जो अभी तक लाइक नहीं करते हो वीडियो को, लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक ही मेरे लिए सब कुछ रखता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, और वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।